हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम ट्रू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन काफी बेटर से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया था, एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया था आपका, और फिर जो स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट किए थे, इसमें भी एक क्लास जो है हमने किया था और आज जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर। कोई जरूरी नहीं कि आप आरआरबी जेई का तैयारी करें तो आरआरबी जेई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसका ही आप, जैसे कि आपको पता होगा एनटीपीसी का ये फॉर्म निकला हुआ है, शायद डेट उसका खत्म हो गया है, तो एनटीपीसी का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एएसएम का हो गया है, किसी भी चीज का, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है उसको भी बनाइए, क्योंकि आप थोड़ा कठिन भी सवाल को बनाइए, मीडियम भी बनाइए, क्योंकि ईजी तो ना ही कि पूछेगा, क्योंकि आप आरआरबी जेई का अगर एग्जाम दीजिएगा तो बच्चा का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़े लेवल के क्वेश्चन बनाइए कि थोड़ा हल्का टफ हो, ज्यादा टफ भी नहीं, हल्का टफ होना चाहिए क्वेश्चन को, इसलिए किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट को जरूर बनाइए, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं काफी अच्छे होते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट छुटा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि आपका स्प्रिट है, स्प्रिट है और पानी है, ठीक है। स्प्रिट और पानी जो है वो 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। और आपको बताया था कि जो रेशियो होता है, जो रेशियो दिया हुआ रहता है, ये सबसे क्या होता है, सबसे लोएस्ट टर्म दिया जाता है रेशियो का, ठीक है। बोलता है अभी कि यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, ठीक है, पानी से जो स्प्रिट है वो कितना 3 लीटर अधिक है, 3 लीटर अधिक, लीटर अधिक कौन है, यही ना 3 लीटर अधिक है, ठीक है। मान लीजिए कि यदि एग्जांपल में समझ लीजिए कि यदि ये वाटर आपका अगर 6 लीटर है तो ये 3 लीटर अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 लीटर। बात समझ में आ रहा है ना। क्या बोलता है कि आपको रेशियो दे दिया कि 3:2 का रेशियो है और बोलता है कि स्पीड जो है वो पानी से 3 लीटर अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 लीटर कम है, और इसका मतलब भी क्या हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 लीटर है। ये बात समझ में आया, यहाँ पर यदि ये 9 लीटर है और 6 लीटर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 लीटर ही आएगा ना। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि रेशियो का भी डिफरेंस कितना होगा, 3 का ही डिफरेंस होगा। यदि H1 में यदि वो 3 लीटर में है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम इसका मान लीजिए 9 लीटर का है और ये 6 लीटर का है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 लीटर का है, ठीक है। तो अगर H1 में 3 लीटर का डिफरेंस है तो उसके अनुपात में उसका रेशियो भी कितना का डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, और ये 1 किसके इक्वल होगा, 3 का। बात समझ में आया ना, एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो 3 में पुट करिए, 3 × 3 ये हो गया 9 लीटर, और फिर ये 3 × 2 से करेंगे तो ये क्या हो गया, 6 लीटर। तो आपसे क्या क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है, स्प्रिट का मात्रा, देखिए ये स्प्रिट है, स्प्रिट कितना हो जाएगा, 9 लीटर। कोई जरूरी नहीं स्प्रिट ही बोले, अगर वाटर बोलता तो वाटर कितना है, 6 लीटर का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन आप यदि एग्जाम में इसको करने बैठिएगा तो वहां माइंड काम नहीं करेगा, अरे कैसा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता, ठीक है। बस 3:2 का रेशियो दिया है आपको, डिफरेंस बोल देगा कि ये 3 लीटर अधिक है, क्या करना है दोनों का, बस कॉन्सेप्ट इसमें क्या निकलता है कि जो एक्चुअल में डिफरेंस होता है वॉल्यूम का, उसका रेशियो का भी डिफरेंस सेम होता है, बस यही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को लगा दीजिए सर, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि 68,000 रुपए को, 68,000 है, ठीक है, 68,000 रुपए को ए बी और सी में, ठीक है। पहले क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए आप लोग खुद से, क्योंकि खुद बना लीजिएगा तो वो कहीं भूलिएगा नहीं। देखिए बोल रहा है कि 68,000 रुपए कितना रुपए है, 68,000 रुपए है, ठीक है। क्या बोलता है कि इसको 1/2, ठीक है, 1/4 और 5/16, ठीक है। देखिए अभी तक आपने रेशियो को किस तरह से पढ़ा है, रेशियो को पढ़ा होगा आप लोगों ने सिंगल टर्म, कभी ये फ्रैक्शन रेशियो तो अभी मे भी किए होंगे या नहीं किए होंगे, या बहुत बच्चे किए भी होंगे। देख लीजिए अभी तक 2:4:6 का रेशियो आप लोग तुरंत निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेशियो जो आपको दिया फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, मतलब कि आपको जो 68,000 रुपए को ये ए है,
ये बी है और ये सी है, ठीक है, ये बी सी को इस अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो बोलता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन में जब रेशियो आ जाए, तो इस फ्रैक्शन को आपको क्या कर देना है, सिंगल नंबर में बदल देना। सिंगल नंबर में देखिए कैसे बदलेंगे, जो नीचे में रहता है, जो नीचे में रहेगा, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। जब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम को क्या मिलेगा, 16 आएगा, ठीक है। अब इस 16 को क्या करिए, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 16 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल रेशियो बदल लिए। क्या किए देखिए, फिर समझिए, जब फ्रैक्शनल रेशियो रहेगा तो नीचे वाला का सबका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेशियो को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिंपल टर्म में आ गया, तो 8, 4, 12 और 12 और 5, 17, ये रेशियो इसी का तो ऐड है, मतलब इसी को तो तीन पार्ट में, एक बार इसको इस पार्ट में बदला जा रहा है, इसको इस पार्ट में बदला जा रहा है, इसको इस पार्ट में बदला जा रहा है, ठीक है। तीनों का सम ही तो इसका इक्वल होगा, मतलब कि 17 बराबर क्या हो जाएगा, 68,000 रूपये, ठीक है, 17 बराबर क्या हो जाएगा, 68,000 रूपये। तो एक रेशियो कितना का इक्वल हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 68,000 / 17, इसको काटिएगा तो कितना कितना बार कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, मतलब 4,000 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे बड़े भाग, सबसे बड़ा भाग, ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ा भाग क्या है, 8 है, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 4। तो जब इसको 8 खोल जाए कितना आ जाएगा, 4,000 आया है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा, ये सबसे बड़ा भाग आ गया। बोलता है फिर सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग क्या आ जाएगा, 16,000, ठीक है। दोनों का अंतर पूछ रहा, दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 16,000 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, सिर्फ टफ क्या था, टफ सिर्फ आपका ये फ्रैक्शनल रेशियो था, फ्रैक्शनल रेशियो किसने बदल लिए, नॉर्मल रेशियो में, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं गई, ठीक है। तो सिंपली आपको सब जानते ही हैं, ये क्या होता है, रेशियो का भाग है, तीनों को ऐड करिए इसका इक्वल हो जाएगा। तो एक का रेशियो निकालिए, एक का निकाल दिया, फिर सबसे बड़ा क्या, 8 है, तो 8 का निकालिए, फिर बोला सबसे छोटा, सबसे छोटा आपका 4 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर लगा दीजिए, अगले क्वेश्चन को करिए, ट्राई करिए बनाने का। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, साथ में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, मान लीजिए कि एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, पहली संख्या क्या है, x है मान लीजिए, दूसरी संख्या क्या है, y है, ठीक है। देखिए एक स्टेप को पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को समझिए, स्टेप को तोड़ तोड़ के समझिए, क्या बोलता है कि जब किसी संख्या का 40% किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x का कितना 40% करने का मतलब 40/100, ठीक है। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, इस संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, मतलब किससे जोड़ देते हैं, y से, बात समझ में है ना, यही तो बोल रहा है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो जब जोड़ने के बाद जो हमको मिल रहा है क्या हो रहा है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, दूसरी संख्या बढ़कर, दूसरी संख्या क्या है, वाई, ठीक है, और ये बढ़कर करेगा तो क्या, अभी अभी 100 है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 160, ये पहले से क्या है, y है, और जब बढ़ेगा किसका, तो y से ही तो बढ़ेगा ना, मतलब y का इसमें ऐड हो जाएगा क्या, y का 60%, कोई दिक्कत, फिर से समझिए, देखिए क्या हो रहा, किसी संख्या का 40% में कोई दूसरी संख्या जब जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या क्या होता है, कि दूसरी संख्या बढ़कर के 60% रहती है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये y को लिखेंगे, क्यों y को लिखेंगे, y की यदि आप डायरेक्ट 60% कर दीजिएगा तो वो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब क्या, अगर वो पहले से y है तो y तो उसमें और 60% उसका ऐड होगा ना, तब जाकर क्या उसका, तभी तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप y का 60% डायरेक्टली लिख दीजिएगा तो y का 60% आया, हमको क्या बोलता है, वाई से जो दूसरी संख्या है वो खुद से 60% बढ़ जा रहा है, तो वाई पहले से है और इसमें क्या और जोड़ेंगे, वाई का 60%, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 0 ये 0 कैंसिल, इसको करिए 2 2 4 और ये 2 5 10 यहां से आ जाएगा,
इसको भी जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, टू थ्री जाए सिक्स, फिर यहां से टू फाइव जाए टेन, ठीक है, ये वाई कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या आएगा, टू एक्स बाई फाइव, टू एक्स बाई फाइव यहां से आएगा, और फिर यहां से जब इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या आएगा, थ्री वाई बाई फाइव, ठीक है, यही ना आएगा, एक्स को टू से किया तो टू एक्स आ गया, नीचे फाइव है तो फाइव आ जाएगा, ठीक है, फिर ये थ्री को वाई से की थ्री वाई, नीचे फाइव, फिर ये फाइव, ये फाइव क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा, थ्री टू टू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोलता है, बस यदि आप इसका इक्वेशन को बना लीजिएगा तो कुछ नहीं है, सिर्फ कैंसल, सिर्फ सिंपली इसको कैंसिल करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देता है, और सिर्फ यही अगर बनाने में क्या होता है, हम लोग कंफ्यूजन में आते हैं, इसको क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एक, अगर आपको कहीं और भी बुक भी मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो संख्या का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको तो आप एक एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, एक शॉर्टकट मेथड, दूसरा जो है अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो मान लीजिए क्या होता है, शॉर्टकट मेथड करके भूल जाते हैं, ठीक है। जब भी दो रेशियो दिया रहेगा, क्या रहेगा, दो रेशियो दिया रहेगा, देखिए क्या बोलता पहले कि दो संख्या का अनुपात, ठीक है, मान लीजिए ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, क्या रेशियो दिया है, 5:7, 5 और 7 का अनुपात दिया है, ठीक है। बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से क्या कर रहे हैं, 9 को घटा रहे, मतलब तो इसमें से भी 9 को माइनस करेंगे और इसमें से भी 9 को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। जब 9 घटाते हैं तो इनका अनुपात 7:11 हो जाता है, इनका अनुपात क्या हो जाता है, 7:11, ठीक है। देखिए इसको लिखने का प्रोसेस इस तरह से है, ठीक है, पहले क्या था, 5:7 था। देखिए ये जो रेशियो पर क्वेश्चन आपका एक ऐसा चैप्टर है, इससे आपका अगर आप इससे सीखिएगा तो एज का भी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व होगा, एज का भी क्वेश्चन में, एज में भी जो होता है यही ट्रिक यूज होता है, ट्रिक इसको नहीं कर सकते एक, इसमें देखिए ट्रिक क्या है, कोई रटवा तो नहीं रहे, x² - x फॉर्मूला तो कोई नहीं है, समझिए क्या किए, पहला और दूसरा नंबर दिया है, 5:7 रेशियो दे दिया है, कुछ नहीं किया। अब इसमें क्या बोला था कि दोनों संख्या में, एक मिनट हो जाइए, हाँ, प्रत्येक संख्या से इसमें से भी 9 घटाया जा रहा है और इसमें से भी 9 को घटाया जा रहा है, जब दोनों में से 9 घटाया जाता है तो घटाने के बाद रेशियो क्या आता है, 7:11 का रेशियो आता है, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पर एक बार पहले इसको इसको और इसको इसको पहले चारों नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब 7, 7 जो 49, और ये मत सोचिए कि बड़ा को छोटा घटाना है, छोटा सा बड़ा, आपको पॉजिटिव में ही सोचना है, ठीक है, मतलब 7, 7 जो 49 और 11, 5 जो 55, मतलब आपको 55 में से 49 को माइनस करना है, ठीक है। 11, 5 जो 55 - 49 इक्वल्स टू, ये पहले रेशियो को मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करना है कि नीचे वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना 9 घट रहा था, मतलब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -99, ठीक है, और फिर 7 को 9, फिर इधर का डिफरेंस, जब इधर का डिफरेंस कर लेंगे हम, यहां पर क्या आएगा, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 जो 63, और ये माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 63 में, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा, और जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए साइन से आप ऐसा मत सोचिए कि साइन से, जब इसमें आप ये जब ये फॉर्मूला लगाएगा तो इसमें साइंस रिलेटेड कुछ नहीं आता है बात, ठीक है। एज में भी जब इसको कैलकुलेशन करिएगा, देखिए एज में भी क्या होता है ना कि आप करिएगा तो बहुत जगह आपको निगेटिव वैल्यू आएगा, तो आपको निगेटिव को ध्यान नहीं देना, ठीक है, निगेटिव को इग्नोर कर देना है, ठीक है। जब ये आएगा तो 6 = क्या आएगा, 36, एक रेशियो कितना आ जाएगा, 6 का, ठीक है। जब 1 = 6 आ गया तो हमको नंबर कितना दिया था, यही ना था, क्या बोला था आपको, तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 6 + 5 क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। 6 + 5 जब 1 = 6 आया तो 5 = क्या हो जाएगा, 30, तो 7 = क्या हो जाएगा, 42, 7 = 42, जब इन दोनों का डिफरेंस करेगा तो आपको क्या हो जाएगा, 12, ठीक है।
इसको यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या, मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, 5x है और 7x है, ठीक है सर, 5x है और 7x है, इन दोनों में से क्या कर रहे हैं हम, 9 को घटा रहे हैं, माइनस 9, तो 5x माइनस 9 कर दीजिए और फिर 7x माइनस 9, ठीक है, दोनों को लेट कर लिए, दोनों क्या लेट कीजिए, एक 5x है और दूसरा 7x है, तो 5x में से 9 घटा दिए और 7x माइनस 9 कर दिए, ठीक है। अब घटाने के बाद क्या होता है कि ये 7:11 का रेशियो आता है, 7/11, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन तैयार हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, लेट कर लेंगे, 5x है 7x है और दोनों में से क्या कर रहे हैं कि 9 घटा रहे, तो प्रत्येक में से 9, इसमें से 9 घटा दिए, इसमें से 9 घटा दिए, जब घटा देते हैं तो रेशियो क्या रहता है, 7/11 हो जाता है, ठीक है। जब इसको कर लेंगे तो क्या आ गया, 55x माइनस 99 इक्वल टू 49x और फिर आप इसको करिएगा तो आ जाएगा माइनस का 63, फिर ये 55x ये इधर आएगा तो माइनस का 49x इक्वल टू माइनस 63 प्लस का 99, यहाँ से 55x, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा फिर 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से भी 6 आ गया, ठीक है। जब x 6 आ गया तो फिर से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 आ गया 30 और 6 7 जा, जब इसमें पुट करेंगे तो 6 5 30 और फिर इसमें जब पुट करेंगे तो 6 5 42, इसमें 42 इसमें 30, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 12 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन को लगा दीजिए, देखिए आप बनाइएगा इसी तरह से तरीका से, क्योंकि देखिए ये जो तरीका है बहुत बार आप भूल जाएगा, ठीक है। यदि ये सब तरीका तभी यूज किया जाता है जब बहुत जल्दी है, टाइम नहीं आपके पास, क्योंकि इससे जो है एग्जैक्ट आंसर आएगा और कोई इतना खास प्रोसेस भी नहीं है, कोई फॉर्मूला तो याद कर रहा नहीं है समय, ठीक है। अगले क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। देखिए 3 कक्षा है, 3 क्लास है, उसमें जो विद्यार्थी है वो है 2:3:5, ठीक है। इतना का अनुपात में क्या है, उसमें स्टूडेंट है। बोलता है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए। देखिए प्रत्येक में 40 बढ़ाया जा रहा है, प्रत्येक में मतलब इसमें भी 40 बढ़ाया जा रहा है, इसमें भी 40 बढ़ाया जा रहा है और इसमें भी 40 बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 40 40 40 तीनों में बढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलता है कि जब 40 40 विद्यार्थी तीनों में बढ़ा दिए जाते हैं तो ये अनुपात 4 5 7 हो जाता है। देखिए पहले तो 2 3 5 था, अब जब 40 40 बढ़ा तो अनुपात भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब मान लीजिए क्या 3 और 6 है, 3 से मान लीजिए ये हो गया 6 और ये 6 से हो गया 12, ठीक है। तो जब ये मान लीजिए बढ़ेगा ये भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब अगर कोई अनुपात रेशियो दिया रहता है, अगर रेशियो दिया रहता है और उसमें से अगर हम किसी चीज को और बढ़ाते हैं तो अनुपात भी क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए 2:3:5 है, जब इसमें 40 40 40 का अगर हम स्टूडेंट बढ़ जाता है तो अनुपात कितना हो जा रहा है आपका, 4 5 7 4 5 7, ठीक है। अब देखिए 40 40 40 तीनों में तो बराबर संख्या बढ़ रहा है, तो रेशियो भी देखिए 2 से कितना बढ़ गया, 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 2, 3 से कितना बढ़ गया, 2, ये भी कितना बढ़ गया, 2। मतलब देखिए यहाँ पर रेशियो भी तो सेम सेम बढ़ रहा, 2 2 2 और 40 40 40 इसे सब में बढ़ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 40 बढ़ा है यही तो 2 के रेशियो के बराबर होगा ना, क्योंकि देखिए ये तो पहले जितना था और ये बाद में हुआ, ये जो बढ़ा है ये रेशियो जो आया है दोनों का डिफरेंस, ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा, बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये दोनों का जो बढ़ करके 4 हुआ है तो ये जब रेशियो आएगा 2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो 40 स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा आया है उसी का इक्वल होगा, मतलब 2 का जो इक्वल हो जाएगा कितने का इक्वल हो जाएगा, 40 का, ठीक है। मतलब 2 रेशियो किसके इक्वल हो गया, 40 का, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा, 20 का। जब एक 20 का आ गया तो आपको क्या बोलता है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, मतलब ये स्टार्टिंग में 2 3 5 का रेशियो क्या था, जब 20 आ गया तो सब में पुट कर दीजिए, 20 22 जाइए क्या हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर 23 जाइए क्या हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये फिर 25 है, ये कितना 100, बात समझ में आया ना। देखिये इसमें से 5 किए तो 100 आ गया, फिर 20 को 3 से किए तो 60 आ गया, फिर 20 को 2 से किया तो 40 है, ओवरऑल कितना टोटल विद्यार्थी हो गया, हमको टोटल कितना आ गया टोटल ही बताना है, तो टोटल आपका कितना आ गया, 40 और 60 100 और प्लस 100, मतलब टोटल विद्यार्थी पहले कितना था, 200, टोटल कितना था, 200, तीनों क्लास में मिलाकर कितना था, 200, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
चलिए सर अगले क्वेश्चन को लगा दीजिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। ठीक है, ठीक है, कोई दो उत्पाद है मतलब दो वस्तु कुछ भी समझ सकते हैं, क्या है ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, बोलता है कि ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। इसका जो प्राइस है, प्राइस कितना है, 5:8 है, 5 और 8 का अनुपात में दोनों का प्राइस है। ठीक है, अब बोलता है कि यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मूल्य में हम क्या कर रहे हैं, 20% का बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके में क्या कर रहे हैं, 20% का डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब 20% इसके मूल्य में क्या कर रहे हैं, घटा रहा है। ठीक है, इसमें 20% बाहर है, इसमें 20% घटा रहा है। तब क्या बोलता है, तो नए उत्पाद मूल्य का क्रमशः अनुपात, तो जो नया बनेगा रेशियो, जो दोनों प्राइस का जो नया बनेगा उस दोनों का आपको रेशियो बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करिए, डायरेक्ट आप 5x8x भी मान सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्या करिए कि 5 का कितना आ जाएगा, 5 का लिखे, इसमें 20% बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 का 120% निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब रेशियो प्रोफेशन स्टार्ट किए थे उस समय हम आपको बताए थे, जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेगा प्रॉफिट लॉस में बताया था कि 100 से ही होता है, अगर बढ़ रहा है तो 100 से ही बढ़ेगा, घट रहा है तो 100 से घटेगा। 20% बढ़ रहा है तो 5 के 120% 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर आप इसको काट सकते हैं 5 2 10 2 6 12, इससे तो 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 8 में इसमें क्या हो रहा है, 20% घट रहा है तो कहां से घटेगा, 100 से घटेगा, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 20, 8 का कितना निकालेंगे, 8 का 80% निकालेंगे, क्योंकि 100 से 20 घटाएंगे। ठीक है, 8 का 80% बचेगा, तो फिर कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8 और यहां से आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32/5। ठीक है, तो क्या बोलता है, तो बोल रहा है कि तो नए उत्पाद मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा, इसका रेशियो बताना है, मतलब 6:2 कितना, 32/5, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 30/32, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा तो कितना बार कट जाएगा, ये 2 से आपका 50 और ये 2 से 60, मतलब रेशियो आपको कितना आ गया, 15:16 का रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है, आपको काटना कैंसिल करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, कैंसिल नहीं करेगा इतना ही में छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन में आपको ये नहीं रहता, ऑप्शन में आपको पूरा कैंसिल, मतलब जो सबसे लोएस्ट का रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो पढ़ रहे थे, हमने आपको पहले बताया रेशियो जो होता है सबसे लोएस्ट कट सकता है, वही आपको आंसर में हर जगह वही टर्म आपको दिया रहता है, क्वेश्चन में भी वही सबसे लोएस्ट टर्म दिया रहता है। अब ये 5 और 8 थोड़ी काट सकते हैं, ये सबसे अंतिम बार कटा, तो इसको भी यहाँ पर सबसे अंतिम बार काट करके चेक करना होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।